हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर सिक्स है ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड, इसके एनसीआर एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 13 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, एग्जाम्पल 13 में क्या बोला गया है, बी एल एंड सी एम आर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। जो बी एल है मेरी, ये वाली जो ब्लू रंग की लाइन दिखा रखी है, ये मीडियन है किसकी, ए सी की, और ये सी एम भी मीडियन है। ठीक है फ्रेंड, प्रूव दैट 4BL स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर इक्वल होगा 5BC स्क्वेयर के। ठीक है फ्रेंड, ये स्टेटमेंट मुझे प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा गिवन पार्ट, गिवन दिया है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में। ठीक है फ्रेंड, हमें एंगल AP क्या दे रखा है, 90 डिग्री। ठीक है, और CM एंड BL इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। CM और BL माध्यिका है, माध्यिका त्रिभुज ABC की। अब फ्रेंड, मीडियन होने का मतलब क्या है, मीडियन होने का मतलब है कि ये जो लाइन है वो इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब जितना मेरा CL होगा उतना ही मेरा AL होगा, जितना CL उतना ही AL होगा, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ AC, यानी AC के हाफ पार्ट ये होगा, हाफ ये होगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे और दोनों AC के हाफ होंगे, जिसको मैंने नंबर 1 मान लिया। एंड सिमिलरली इसमें भी ऐसे होगा, BM इक्वल होगा, सॉरी BM इक्वल होगा MA के, और दोनों क्या होंगे, हाफ पार्ट होंगे किसके, AB के। इसे मैंने नंबर 2 मान लिया। ठीक है फ्रेंड, अब इसके अंदर कुल मिला के मेरे 3 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तीनों को मैं 1 by 1 करके आपको सामने दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, बट उससे पहले मेरे को जो प्रूफ करना है वो लिख दिया मैंने, टू प्रूफ, सिद्ध करना है कि 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इक्वल टू 5BC का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, इतना करने के बाद जो मेरी मेन फिगर है ट्रायंगल ABC, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में। इसमें मैं यूज़ करूँगा पाइथागोरस। ठीक है फ्रेंड, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण। कर्ण का स्क्वायर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, यानी लंब का स्क्वायर, ये रहा 90 डिग्री जो साथ वाला, और ये होगा मेरा बेस AC का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, इसको नंबर 3 मान लिया और फिलहाल के लिए यहीं पे छोड़ दिया। इसके बाद फ्रेंड, ये तो मेरी मेन फिगर का डायग्राम हो गया। अब मेरे पास 2 राइट ट्रायंगल और है, मैं दोनों को ही पाइथागोरस की हेल्प से सॉल्व करूँगा। पहला ट्रायंगल, मेरे वाला ट्रायंगल BAL, ये भी राइट ट्रायंगल है, और जो दूसरे वाला ट्रायंगल है जो कुछ ऐसा है, यानी कि MAC, ये भी क्या है, राइट ट्रायंगल है। इन दोनों के अंदर भी मैं क्या यूज़ करूँगा, पाइथागोरस। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल BAL, त्रिभुज BAL में। ठीक है फ्रेंड, 90 डिग्री के सामने वाली कौन होती है, हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस द्वारा। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है फ्रेंड, 90 डिग्री के सामने वाली कौन होती है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि BL का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब के, जो 90 डिग्री पे होता है उसे बोलते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर। AB का स्क्वायर प्लस में बेस का, यानी कि AL का स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रेंड देखो, इसके अंदर BL तो कुछ है नहीं, बट मैंने यूजिंग वन समीकरण 1 से। ठीक है फ्रेंड, समीकरण 1 का यूज़ करूँगा मैं। BL तो मेरा BL एज इट इज़ रहेगा, AB भी AB एज इट इज़ रहेगा, बट जो AL है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के। तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूँगा AC/2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, इतना करने के बाद BL का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं वन मान लो, ए सी को अलग कर दूंगा ए सी का स्क्वायर, और टू को टू से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा फोर, ठीक है फ्रेंड। और बी एल का स्क्वायर, अगर मैंने एल सी एम लिया कितना आएगा फोर, इसके नीचे कुछ नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया फोर ए बी का स्क्वायर प्लस में, या कितना आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, चार नीचे डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फोर बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। इसको मैं नंबर दे देता हूँ चार, इसको मैं नंबर दे दिया चार। चार देने बाद अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल पे, जो दूसरा वाला ट्रायंगल है मेरा, ठीक है। इसमें भी मैंने क्या लिखा, इन ट्रायंगल सी ए एम बोल लो या एम ए सी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें भी क्या किया, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस द्वारा 90 डिग्री के सामने वाली कौन होती है हाइपोटेन्यूज, यानी कि सी एम का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का, और ये आधार यानी कि ए सी का स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद फिर मैं यूज करूँगा टू, यूजिंग टू समीकरण दो से। देखो फ्रेंड, सी एम तो सी एम एज इट इज रहेगा, जो ए एम है देखो जरा, ए एम या एम ए एक ही बात है, ए एम किसके बराबर है हाफ ऑफ ए बी के, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया हाफ ऑफ ए बी इसका स्क्वायर, ए सी का मैंने ए सी एज इट इज रहने दिया, रहने के बाद सी एम का स्क्वायर, ए बी को तो मैंने अलग कर दिया, अब टू का स्क्वायर खोलूँगा, टू को टू से मल्टीप्लाई किया फोर ए सी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद मैंने लिया एल सी एम, जैसे इस वाले पार्ट में लिया था सेम टू सेम इसमें वैसे ही होगा, क्या करा ए बी का स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया फोर ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है सी एम का स्क्वायर, डिवाइड में है किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा मेरा फोर सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में फोर ए सी का स्क्वायर, इसे नंबर पाँच मान लिया। इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर फाइव, दो इक्वेशन आ गई मेरी, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा इक्वेशन फोर एंड फाइव को, तो यहाँ लिखूंगा फोर प्लस फाइव, तो इक्वेशन फोर थी मेरी फोर बी एल का स्क्वायर प्लस फोर सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस फोर ए सी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। आपको मैं दोबारा दिखा दूं, जो ये वाली इक्वेशन थी नंबर चार और ये वाली नंबर पाँच, लेफ्ट हैंड वाली साइड एक साथ जोड़ ली, राइट हैंड वाली साइड एक साथ जोड़ ली, तो सम करके मैंने यहाँ पे लिख दिया इनको, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फोर बी एल का स्क्वायर प्लस में फोर सी एम का स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस में फोर ए सी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। इतना करने के बाद अब देखो फ्रेंड, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, फोर निकल गया आ रहा कॉमन, चार मैंने कॉमन निकाल लिया, कितना बच गया बी एल का स्क्वायर, यहाँ कितना बच गया सी एम का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में देखो फोर ए बी और वन ए बी कितना बना फाइव ए बी का स्क्वायर, फोर ए सी वन ए सी कितना बना फाइव ए सी का स्क्वायर, ठीक है। फोर बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, दोनों में से फाइव कॉमन ले लिया, कितना बचा ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। अब इतना करने के बाद फ्रेंड, मैंने यूज़ किया यूजिंग थ्री समीकरण तीन से, तो ये वाला पार्ट तो मेरा रहेगा एज इट इज़, बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर फाइव। अब फ्रेंड ये वाला जो पार्ट देखो, ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है बी सी के स्क्वायर के, तो मैं इन दोनों की जगह पे क्या लगा दूंगा बी सी का स्क्वायर यूजिंग थ्री करके, और यही स्टेटमेंट मुझे क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। देखो जरा,
मुझे प्रूफ करना था 4 BL का स्क्वायर प्लस में CM का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर, और इसी के साथ मेरा एग्जांपल नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर फ्रेंड अगली वीडियो के अंदर। ओके बाय बाय, थैंक यू।